अनिर्वाच्य विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेयोभवनयः यतश्चाभूद्विश्वम् चरमचरमोचावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इसको वेदांत में साधन चतुष्टय संपत्ति शब्द से कहते हैं। इसकी प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार का प्रारंभ होता है, इसलिए कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर अथ का अर्थ आनंतर्य हुआ। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कह दिया तेषु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासा ऊर्धम च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम ज्ञातुम च न विपर्यये, ऐसा कह दिया। तब भामति में बात आई, अंतिम में कहा कि ततो अस्य संसार बंधनात् मुमुक्षा भवति इति मुमुक्षुत्वम्। मुमुक्षुत्व का उपसंहार हो गया ये, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु साधन चतुष्टय संपत्ति है। ये अन्न सहचार व्यतिरिक्त सहचार से सिद्ध हो गया ना, क्योंकि साधन चतुष्टय संपत्ति हो जाए तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है। लेकिन हो किसी साधक को नहीं हुआ तो कैसे पता लगेगा? भाई महापुरुष लोग कह रहे हैं महापुरुष लोग कह रहे हैं, उच्च साधक लोग कह रहे हैं कि साधन चतुष्ट संपत्ति होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा ये कोई जरूर नहीं है कि अपने को अनुभव हुआ हो तब जा करके मानेंगे। महापुरुष का अनुभव से ही माना जाता है, साधक किसी को मानता है, यही साधक का साधकत्व तो है। शास्त्र कह रहा है महापुरुष का अनुभव है कि साधन चतुष्ट संपत्ति होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, अन्न सहचार हो जाएगा, है ना। अब व्यतिरिक्त सहचार इसी प्रकार हो जाएगा कि मान लो किसी को कथमचित कुतूहल से प्रवृत्ति हो गई, कुतूहल 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 उत्सुकता हो गया, अरे चलो थोड़ा सुन लेते हैं क्या है इसको बोलते हैं कुतूहल कुतूहल, है ना। कथमचित कुतूहल से किसी की प्रवृत्ति हो गई, हो भी गई ब्रह्म विचार में, वेदांत का विचार में, फिर भी उनको फल पर्यंत ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा रत्न प्रभा में कहा गया। वो बात भी सही है एकदम, है ना। हाँ, ज्ञान तो होगा लेकिन फल पर्यंत ज्ञान नहीं होगा ऐसा कहा है। फल पर्यंत ज्ञान मतलब क्या होता है? जो ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर दे, ऐसा ज्ञान को कहते हैं फल पर्यंत ज्ञान। ऐसा फल पर्यंत ज्ञान तो नहीं हो सकता, वो दूसरा ज्ञान भले हो जाए, बड़ा विद्वान बन जाएगा, है उसका जय जयकार होगा, बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन उसको वास्तविक साक्षात्कारात्मक ज्ञान
और ज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान तो होगा नहीं। इसलिए कुतूहल से ब्रह्म विचार में, वेदांत का विचार में प्रवृत्त हो जाने पर भी है ना, ऐसे व्यक्ति को फल पर्यंत ज्ञान और ज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान होता नहीं है, ये व्यतिरिक्त सोचार हो जाएगा, है ना। इसलिए अथ शब्द का व्याख्यान का ये उपसंहार हो जाता है। इसलिए भामतीकार ने कह दिया, है ना, भामती में देख लो कि तस्य च नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव ब्रह्म विज्ञानम अद ब्रह्म ज्ञानम मोक्षस्य कारणम इति उपसृत्य। हे देखो भैया नारायण, जिस साधक के चित्त में साधन चतुष्ट संपत्ति हो गई उसी साधक के चित्त में जिज्ञासा होती है। इसलिए कहा तस्य च, मतलब साधन चतुष्ट संपन्न से च। पृष्ठ नंबर मिल गए भैया आप लोगों को, पेज नंबर बताओ, राजू बताओ, 85। अच्छा, ठीक है। तस्य च कहने से साधन चतुष्ट संपन्न से च, साधन चतुष्ट संपन्न हो गया है ना, तो उनको जिज्ञासा होती है, वेदांत का विचार में लगता है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए, है ना। तो कैसे लग जाता है, देखो इतना सुना है ना, वो इतना सुना है, वो संसार में नहीं लगता है, इतना सुना है कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का हेतु है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, महापुरुष लोगों ने कहा है, जैसे नारद जी कहते हैं कि महापुरुष के मुख से हमने सुना है, छांदोग्य में भी कहा कि महापुरुष के लोगों से हमने सुना है, आचार्य के शरण में जाने पर ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा हमने सुना है, इसलिए उनको ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी। ये भावतीकार बोल रहे, देखो है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव ब्रह्म ज्ञानम, ये ब्रह्म का ही विशेषण हो गया पहले का, ये स्वभाव है जिसका, कौन सा स्वभाव है ब्रह्म का, बोलते हैं ब्रह्म का स्वभाव नित्य स्वभाव है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म शुद्ध है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, बुद्ध का, बुद्ध का अर्थ ज्ञान है ना, बोधनम इति बुद्ध, बुध ज्ञान होता है, बुध अवबोधन है, और मुक्त मुक्त है वो सत्य स्वभाव है। ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म का जो ज्ञान है वो है मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण तो यही है। यहाँ पर एव का लगा दो, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, संशय नहीं है उनको, और कोई साधन भी होगा मोक्ष का ऐसा नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का साधन है ना, ऐसा सुना इति उपसृत्य, ऐसा उपसृत्य महापुरुषों के मुख से सुना है वो, इसलिए उपसृत्य कह दिया। तावत जीवन भ्रमत्येव यावत तत्त्वम न बिंदते, जीव तो तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है। ऐसा सुन करके, आचार्य गुरु मुख से सुन करके, श्रद्धा तो है ही उनकी, शास्त्र के प्रति, महापुरुष वाक्य के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, तब तो जिज्ञासा होगी श्रद्धा न हो तो जिज्ञासा कहाँ से होगी। इले तिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की उनकी इच्छा होती है, फिर स्वरूप को जानने की इच्छा होती है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी साधन चतुष्ट संपत्ति होने पर, है ना। धर्म जिज्ञासाया प्राग ऊर्धम च, धर्म जिज्ञासा होने से पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, और धर्म जिज्ञासा होने के बाद भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, ये कोई जरूर नहीं है, ये तो चल रहा है आपके प्रकरण में,
पूर्व पक्ष ने कह दिया कि धर्म जिज्ञासा होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। धर्म जिज्ञासा होने से पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, बाद में भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। इसलिए कोई नियम नहीं है कि धर्म जिज्ञासा होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। पूर्व जन्म में कर्म कर लिया निष्काम भाव से, और जन्म होते ही तो वो चित्त शुद्ध तो है ही नारायण, है कि नहीं? चित्त शुद्ध जब है ही तो विवेक वैराग्य आदि हो जाएगा, उसमें क्या आपत्ति? रमण महर्षि इत्यादि महापुरुष है कि नहीं? साधन चतुष्ट संपत्ति हो जाने पर ब्रह्म जिज्ञासा तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं कि धर्म की जिज्ञासा हो तब जा करके साधन, ये क्या बोलते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बोलते हैं तस्माद, इसी कारण से टीकाकार कहते हैं तेषाम एव आनंतरियम न धर्म जिज्ञासायाः इति आह। तेषाम कहने से विवेकादीनाम, विवेक वैराग्य समाधि षड् संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये तेषाम से लेना है। इसलिए तेषाम एव आनंतरियम, विवेकादि के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है, समझ में ना? न धर्म जिज्ञासायाः, धर्म जिज्ञासा के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा, ये ऐसा नियम नहीं रखना चाहिए इत्याह, ये बोलते हैं। इसलिए कह दिया तेसु ही, भाष्य में आया था ना, तेसु ही सत्सु प्राकपि, तेसु कहने से कौन, विवेकादिशु, विवेकादि होने पर, सत्सु मतलब होने पर, विवेकादि होने पर ही है ना, धर्म जिज्ञासाया ऊर्धम च प्रागपि, प्रागपि पहले है, प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्धम च, धर्म जिज्ञासा होने से पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, क्या होने पर, विवेक आदि होने पर, और धर्म जिज्ञासा के बाद में भी ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी। इसलिए अन्न व्यतिरिक्त सहचार इसके साथ होगा, विवेकादि के साथ होगा ब्रह्म जिज्ञासा का, है ना? विवेकादि की संपत्ति हो जाए तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है, और विवेकादि यदि न हो जाए, न हो तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है, हैं? ये बोलते हैं। इसलिए कहते शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम, ब्रह्म की जिज्ञासा संभव है। और केवल ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्म जिज्ञासा होगी और ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। विवेकादि संपन्न हो, वेदांत का विचार करता है, ज्ञान तो हो ही जाएगा, अभी नहीं तो कल हो जाएगा, आप लोग घबराओ ना। इतना जरूर है, चित्त शुद्ध यदि नहीं है तो चित्त शुद्धि के लिए भी आप करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करो, हम वेदांत का विचार कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो मोक्ष ही है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही लक्ष्य हो निर्धारित, तब भी वेदांत का विचार करते 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 ज्ञान की योग्यता आ जाती है चित्त में। इसलिए श्रवण आदि को श्रेष्ठ साधन कहा गया है ना, ये बोलते हैं। ये ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, ज्ञातुम च, ज्ञान भी हो जाएगा, है ना? भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, लेकिन विवेक आदि संपन्न हो जाए, ब्रह्म जिज्ञासा भी हो जाती है, और ज्ञातुम च, ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाता है, ये बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, भाष्यकार क्या बोल रहे हैं, न विपर्यय, ऐसा नहीं कि विवेक आदि न हो अब ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, अब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये बात है, ये बात नहीं बन सकती। इसके भ्रम में ना रहना, लोगों के कहने के भ्रम में, अरे कोई बात नहीं, विवेक आदि खाते रहो, पीते रहो, मौज करते भी रहो, और वेदांत सुनते रहो तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसे भी लोग बहुत बोलते हैं। त्याग तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, बस भोग भी करते रहो और लगे रहो, इसमें ज्ञान हो जाएगा, बोलते हैं। ऐसा नहीं, ना विपर्यय, भाष्यकर बोल रहे हैं, देखो इससे उल्टा नहीं होगा, हमने जो कहा है
विपर्यय मतलब अन्यथा, अन्य प्रकार से तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अन्य प्रकार से मतलब क्या, विवेक आदि के बिना भी ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म ज्ञान हो जाए ये कभी संभव नहीं है, है ना, ठीक है ना भाई। देखो श्रोता लोग क्या बोल रहे हैं भगवान भाष्यकर, इसे लोगों के कहने पे नहीं रहना आप लोग, ठीक है। महापुरुषों का वाक्य है यही ठोस प्रमाण है, ठीक है। भगवान भाष्यकर कह रहे हैं, यदि इसकी बात को नहीं मानोगे तो किसकी बात को मानेंगे आप लोग, है ना। आजकल लोग हाँ महाराज आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमको बस सब समझ में आ रहा है, ऐसे कहने में नहीं आप लोग भ्रमित नहीं होना। भगवान भाष्यकर की बात को मानकर चलोगे तब तो आप लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो अन्य कोई उपाय नहीं है, ठीक है। क्या कह दिया, ब्रह्म जिज्ञासितुम ज्ञातुम च, और आगे क्या कह दिया, न विपर्यय, इससे विपरीत कभी नहीं हो सकता, न विपर्यय, अन्य प्रकार से कभी भी ब्रह्म जिज्ञासा हो ही नहीं सकते, और ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, ज्ञान कहाँ से होगा। चलिए थोड़ी सी जो है टीका देख लो, है उपसंहरति, इसलिए यहाँ पर उपसंहार हो गया। अथ शब्द का जो व्याख्यान चल रहा था ना भाई, अथ शब्द का व्याख्यान क्या हुआ, आनंतरीय। पहले बहुत सारे अर्थ बता दिया, मंगल कर लो कि अथ शब्द का अर्थ मंगल, उसका भी निराकरण कर दिया, मंगल भी की अथ शब्द को सुनने से ही मंगल हो जाएगा, समझ में ना। फिर कहा कि भाई आनंतरीय कह लो, हैं ये किसके अनंतर्य, बोले धर्म जिज्ञासा के अनंतर्य, हैं तो पहले धर्म का ज्ञान होगा फिर धर्म जिज्ञासा होगी फिर धर्म का अनुष्ठान करेगा, ऐसा अर्थ भी नहीं है। अंतिम में उपसंहार कर दिया कि विवेक आदि संपन्न के अनंतर ऐसा अर्थ करना चाहिए अथ का, चाहे धर्म जिज्ञासा हो अथवा ना हुआ हो, विवेक आदि संपत्ति के अनंतर ये अर्थ शब्द का अर्थ हुआ, इसलिए उपसंहार हुआ, है ना, कि जो है तस्मात अथ शब्देन। भाष्य देखो है, यथक्त साधन संपत्त्यानंतर्यम उपदिश्यते, अथ शब्द से यथोक्त जो साधन की संपत्ति, यथोक्त साधन क्या हुआ, वही विवेक वैराग्य समाधि साढ़ संपत्ति और हो गया मुमुक्षुत्व, यही हो गए साधन संपत्ति। संपत्ति शब्द से क्यों कह रहे हैं, यही तुम्हारी संपत्ति है। बाकी सब भले ही शरीर निर्वाह के लिए हो, है ना, आपकी संपत्ति तो असली संपत्ति, साधक की संपत्ति तो यही है, विवेक वैराग्य समाधि सट और मोक्षित्व, बाकी सब क्या है, शरीर निर्वाह के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा आनंतर्यम उपदिश्यते, आनंतर्य का अर्थ यही उपदेश हुआ, उपदेश किया जाता है, कहा जाता है, किस शब्द से कहा जाता है, अथ शब्देन, अथ शब्द से कहा जाता है उपदिश्यते, किसके लिए, साधक के लिए। क्या अर्थ, आनंतर्यम, किसके आनंतर्य, बोले विवेकादि साधन संपत्ति के आनंतर्य, एकदम स्पष्ट हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद और दो पद रह गया सूत्र में, पहला पद तो हो गया अथ, और दो पद कौन कौन है, अतः फिर आगे ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा पद द्वितीय पद होता है अतः अव्यय, अतः उसका अर्थ अब विचार किया जा रहा है ना, तो देख लीजिए कैसे विचार कर रहे हैं। अत शब्द का अर्थ करेंगे हेतु करेंगे, अत शब्द का अर्थ हेतु कहा जाएगा, हेतु हेतु। भाष्यकार लिखते हैं, क्रम प्राप्तम अतः शब्दम व्याचष्टे अतः शब्दो हेत्वार्थः, वो कहते हैं क्रम से प्राप्त हो गया ना, अतः शब्द का विचार हो गया,
उसके बाद अतः शब्द का व्याख्यान करना है, ये नियम होता है, क्योंकि भाष्य न है, भाष्य उसी क्रम से होता है जिसके ऊपर भाष्य लिखा जाता है, वो क्रम से लिखा जाता है ना। सूत्र हो चाहे मंत्र हो, सूत्र मंत्र में शब्दों का जैसा क्रम होगा उसी क्रम से ही भाष्य लिखा जाता है। इसलिए सूत्रार्थो पण्यते यत्र, वाक्य सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदो। एक सूत्रार्थ वण्यते यत्र का क्रम से होता है ना, ये वाक्य सूत्रानुसार भी कहते हैं, कई मंत्रानुसार भी कहते हैं, मंत्र के ऊपर हो भाष्य चाहे सूत्र के ऊपर हो वाक्य भाष्य, वो क्रम से होगा। इसलिए अत शब्द का व्याख्यान हुआ, उसके बाद आता है अतः, अत का व्याख्यान, फिर आगे ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म ऐसा कहेंगे। चलो क्या म्यूट करिए। सोलंके जी म्यूट करिए। म्यूट करिए। म्यूट करिए, नहीं तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो हो गया अभी। चलो तो चलिए, क्रम प्राप्तम अतः शब्दम व्याचष्टे अतः शब्दो हेत्वर्थ तदेव अतः शब्दस्य हेतुरूपम अर्थमाह जस्मात्। अतः शब्द का अर्थ होता है हेतु, मतलब इसलिए, हिंदी में भी समझते रहो, अतः शब्द का अर्थ होता है इसलिए, इस कारण से, है ना, यही बात यहाँ पर कहने जा रहे हैं। हेतु रूपम अर्थम, अतः शब्द का अर्थ तो हेतु होता है, कारण, कारण इस कारण से, मतलब इसलिए, है ना, इसलिए इस कारण से ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। साधन चतुष्ट संपत्ति के बाद इस कारण से, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, हाँ, और दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। दूसरा कोई साधन में नहीं लगना चाहिए, साधन चतुष्ट संपत्ति के बाद, समझ में ना। जैसे कहते हैं ना, संन्यास्य श्रवणम कुरियात, संन्यास ग्रहण कर लो। कोई पूछेगा, गुरु जी मैं क्या करूँ, संन्यास ग्रहण कर लिया तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, श्रवणम कुरियात, वेदांत का श्रवण करो, बोलते कि नहीं। है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिसके चित्त में साधन चतुष्ट संपत्ति हो गई, साधक बोले कि मैं क्या करूं गुरु जी, वो कुछ नहीं करना है कि ब्रह्म जिज्ञासा करो, मतलब वेदांत का, हाँ, ज्ञान के लिए शास्त्र का चिंतन करो, विचार करो, और कुछ नहीं करना है, ना कुछ नहीं करना है। कर्म, उपासना, अष्टांग योग, और भी जो साधन, अरे बे उसको तुमने तो कर लिया पहले, इसलिए तो विवेक आदि संपन्न हो गया। हाँ, विवेक आदि संपन्न हो गया तो उसमें फिर क्यों लगना है,
ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत का विचार करना ही है, दूसरा कोई साधन करोगे उससे तुमको मोक्ष मिलने वाला है ही नहीं, हाँ संसार भले मिले, ये कहना चाहते हैं द्वितीय अतः शब्द से। ठीक है चलो, इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखो यस्मा भाष्य में आया है ना, यस्मान बोले क्योंकि, यस्मान बोले क्योंकि वेद एव अग्निहोत्रादिनाम, भाष्य देखो है, वेद एव अग्निहोत्रादिनाम श्रेय साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति तत् यथेह, ये बात आ रही है हैं? क्योंकि स्वयं वेद ही श्रुति भगवती ही दिखा रही है, जो अग्निहोत्र आदि जितने भी साधन होते हैं हाँ है तो फल मिलता है, हैं कौन सा फल मिलता है, अनित्य फलता, इसका फल तो अनित्य होता है भाई, ये श्रेय के साधन है लेकिन निश्रेय से मोक्ष के साधन तो नहीं है। हाँ निष्काम भाव से करोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, निष्काम भाव से करोगे तो चित्त शुद्ध होता है, ये बात तो हम मानते ही है ना, लेकिन इतने से तुमको मोक्ष हो जाएगा ये बात नहीं है, है ना। इसीलिए जो है ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त जितने भी साधन है उसका फल तो अनित्य होता है, इस कारण से ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत का विचार करना चाहिए, ये भगवान भाष्यकर आगे कह रहे हैं। थोड़ी आप लोग टीका ले लो है, पहले से कहते हैं ये तुमने जो बोल दिया ना है कि साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत का विचार करना चाहिए, बोलते हैं कि साधन चतुष्ट संपत्ति कैसे होगी, हो ही नहीं सकती पहले साधन चतुष्ट संपत्ति क्या है, चार तो है, विवेक वैराग्य समाधि सट और मुमुक्षुत्व, ये हो तब ना करोगे भाई वेदांत का विचार, ये हो ही नहीं सकता है, ये पूर्व पक्षी कहेगा देख लो कैसे कहेगा, टीका है, टीका में कहते हैं अत्र एवं परिचोद्यते, ये तुमने जो बोल दिया है कि साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए वेदांत का, बोलते इसके ऊपर ही शंका बनती है, परिचोद्यते मतलब संकेते, ये शंका उठती है, क्या शंका उठती है देख लो, बोलते हैं सत्यम, सत्यम का अर्थ अर्ध स्वीकार, ठीक है तुम्हारी बात ठीक है लेकिन पूरी बात ठीक नहीं है पूरी बात ठीक नहीं है बोल रहे पूर्व पक्षी, सत्यम का अर्थ यथोक्त संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा भवती, ये बात जो कहते हो तुम, ये जो चार प्रकार का साधन जो है यही हो गई संपत्ति तुम्हारी, ये संपत्ति होने के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा भवती, ब्रह्म जिज्ञासा होती, ये आपका प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, साव तो अनुपन्ना है, बोलते ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकती ना पूर्व पक्षी कह रहा है, सा मतलब साधन संपत्ति लीजिए, सा एव तु अनुपन्ना, सा मतलब साधन संपत्ति, साधन चतुष्ट संपत्ति जो है स्त्रीलिंग है ना, संपत्ति शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसलिए सा एव वृद्धि होगी सैव, ठीक है, साधन चतुष्ट संपत्ति एव तु अनुपन्ना, साधन चतुष्ट संपत्ति ही हो ही नहीं सकती ना, उपपन्न नहीं है मतलब अनुपन्न, युक्ति युक्त नहीं है, क्यों देखो हम बताते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है देखो, बोलते हैं कि यह मूत्रार्थ फल भोग विरागस्य अनुपपत्ति है, ये बताओ वैराग्य कैसे होगा तुमको, अरे वैराग्य होने से वैराग्य का टपक पड़ेगा, वैराग्य किससे वैराग्य बोलते हैं आप, बोलते हैं यह फल मतलब यहाँ का जो फल है, और अमूत्र गणे स्वर्ग स्वर्ग आदि, स्वर्ग आदि में जो फल होता है हाँ, फल का जो उपभोग होता है उसका वैराग्य बोलते, उससे वैराग्य हो जाना, ये कैसे बनेगा, वैराग्य हो ही नहीं सकता ना, ये बोलता है अनुकूल वेदनीयम ही फलम, भाई फल क्या है ये बताओ, अनुकूल वेदनीयम ही फलम,
विषय का फल यही होता है तो, है जो अनुकूल हो वही तो फल होता है भाई, है ना। इष्ट लक्षणत्वात् फलस्य, देखो जो इष्ट साधन का जो ज्ञान होता है ना, जैसे लड्डू ले लो, लड्डू लड्डू है ना, ये मोदकम इष्टम, ये मोदक जो है लड्डू, ये इष्ट है, इष्ट साधन है ये, ऐसा ज्ञान हो रहा है कि नहीं। इस ज्ञान का जो विषय होता है ना, है ना, इस ज्ञान का विषय कौन है, इस ज्ञान का विषय हो गया आपका जो है लड्डू है, उसका भोग कर तो यही तो फल है, यही बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नच अनुराग हेतु अस्य वैराग्यम, उसके प्रति जो अनुराग हो रहा है, ठीक है ना, किसके प्रति, विषय के प्रति, अनुराग का हेतु हो गया विषय, ठीक है। हाँ, ये जो जिस विषय में अनुराग हो रहा है उस अनुराग का हेतु क्या होगा, विषय, विषय हो तो अनुराग होगा, हाँ विषय हो तो उसके प्रति इष्ट साधनता ज्ञान होगा, इदम मत अभिष्ट साधनम, ऐसा ज्ञान होता है, बराबर है ना। तब ज्ञान होगा तब उसके प्रति भी अनुराग होती है, आसक्ति होती है, इसलिए अनुराग का हेतु हो गया विषय, इष्ट साधनता प्रकार ज्ञान का विषय, उसके प्रति जो वैराग्य कहते हो, समझ में है ना। हाँ, वैराग्यम भवितुम नहति, पूर्व सिद्धांति के बोलेगा, सिद्धांति की ओर से अनुराग का जो हेतु होता है विषय, उसके प्रति अस्य मतलब अधिकारी का वैराग्य भले ही न हो, विषय के प्रति वैराग्य भले ही न हो, हाँ सिद्धांति बोलेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन दुख अनुसंग दर्शनात् सुखे अपि वैराग्यम, विषय के प्रति वैराग्य न होने पर भी विषय से होने वाला जो सुख है ना, वो सुख के प्रति तो वैराग्य हो जाएगा, सिद्धांति बोलेगा, ठीक से सुनिए, है ना। विषय के प्रति वैराग्य न होने पर ही विषय को तो छोड़ नहीं सकता है, लेकिन विषय में जो सुख हो रहा है ना, ये सुख के प्रति तो वैराग्य हो जाएगा, सिद्धांति बोलेगा, क्यों, अरे भी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस विषय सुख ही सुख होता हो, दुख मिश्रण तो होता ही है, ये बोलता है सिद्धांति। क्या दुख अनुसंग दर्शना, क्योंकि सुख में दुख का थोड़ा मिश्रण तो है ही, जो विषय भी सुख दे रहा है वो आगे दुख भी देगा कि नहीं, इसलिए दुख से अनुसंग हो गया सुख, इसलिए विषय से जो होने वाला सुख है उस सुख के प्रति क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, विषय से भले ही वैराग्य ना हो, ऐसा यदि सिद्धांती कहे इति चे, पूर्व पक्षी कह रहे ये बात भी नहीं बन सकती है सिद्धांती, क्यों, देखो बताते हैं, हंत भो है सुख अनुसंगात दुखे अपि अनुरागो न कस्मात भवती, बताओ सुख का अनुसंग क्या हो रहा है, दुख है कि नहीं, सुख से मिश्रित हो गया दुख, दुखे अपि अनुरागो न कस्मात भवती, दुख के प्रति भी अनुराग तुम्हारा क्यों नहीं होता है, है? बोलते कस्मात न भवती, तस्मात इसलिए जो है सुखे उपादीय माने दुख परिहारे प्रयतितव्यम। देखो वेदांति, तुम विचार नहीं करते हो ना, बोलते तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन विचार नहीं करते हो, अरे भाई सुखे उपादीय माने सुख हो रहा है विषय से, ठीक है ना, और उसमें दुख का मिश्रण हो रहा है, अरे क्या, कहाँ पर, कहाँ पर, अरे भाई हाँ म्यूट करो, सुख का अनुसंग हो रहा है कि नहीं दुख में, हाँ दुख में सुख का मिश्रण भी है, सुख का यह मिश्रण है दुख है, दुख में इसलिए दुख ये भी अनुराग न कस्मत होती, दुख में भी तुम्हारा अनुराग क्यों नहीं होता है, हाँ क्योंकि मिश्रण है कि नहीं, हाँ सुख में अनुराग होता है बोलते हो, समझ में है ना, सुख में अनुराग होता है दुख में नहीं होता है,
बोलते हैं कि सुख दुख तो मिला हुआ है कि नहीं है। जहां पर तो है सुख है वहां पर दुख भी है। सुख में जब अनुराग है तो दुख में अनुराग क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं कि जो है वो सुख दुख को छोड़कर रहता है। सुख तो दुख के छोड़कर रह ही नहीं सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, बात समझ में कि नहीं है? इसलिए बोलते हैं सुख का ये कहना चाहता है, आप समझ में ना? तो थोड़ा विचार करके आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। तस्मात् सुखे उपादीयमाने है ना, दुख परिहारे प्रयतितव्यम। अरे वे दुख का परिहार करो बस, समझ में ना? बुद्धि से है कुशलता से दुख का परिहार कैसे होगा उसमें लगो। बोला है दुख से भागने से नहीं होगा, दुख का परिहार कैसे करोगे उसका उपाय ढूंढो तुम, है कि नहीं? सुखे उपाधि माने सुख का ये ग्रहण करना हो तो दुख का परिहार करने के लिए प्रयास करो, ये कहना चाहते हैं, है ना? देखो आगे लिखते हैं भी, अवर्जनीयतया दुखम आगतमपि परिहृत्य सुखमात्रम भोक्षते। हमारी बात आगे सुनोगे तुमको स्पष्ट हो जाएगा। देखो अवर्जनीयतया दुखम, दुख का परिवर्जन, दुख का परिवर्जन नहीं कर सकते आप, दुख तो आता ही है, फिर भी हैं प्रक्रिया से हैं दुख का परिहार कर सकते हो। दुख तो स्वभाव से आता ही है इसलिए अवर्जनीय है वो, फिर भी उपाय से दुख का जब परित्याग कर देंगे तो जो सुख मात्र है उसका तुम भोग कर सकते हो, ये कहना चाहते हैं। दो पदार्थ है, विषय से सुख भी आता है दुख भी आता है, लेकिन प्रक्रिया से दुख को हटा दो आप, बस दुख को हटा देंगे तो क्या रहेगा? अरे भाई ये आगे उपाय बताएंगे। देखो संसार में सुख दुख मिश्रित है, लेकिन दुख दुख को हटा दो तो दुख को हटा देंगे तो क्या रहेगा बताओ? सुख रहेगा कि नहीं रहेगा? सुख का भोग करो तुम, ये कहना चाहते हैं, है ना? सुख मात्रम भोक्षते, सुख मात्र का भोग किया जा सकता है। कैसे? देखो हम समझाते हैं, तुम घर में तो रहते हो, मछली तो खाते हो। तद जथा, ये सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, मत्स्यार्थी जो मछली खाना चाहता है। मत्स्यार्थी कुछ लोग विनोद करते हैं, भाई भामतिकार जो वाचस्पति मिश्र है ना वो उधर के थे ना, मिथिला तरफ के थे, उधर मछली बहुत खाते होंगे। इसलिए उनको मछली का दृष्टांत आया, ऐसे गुरुजी लोग बताते विनोद में। और बंगाली लोग पढ़ते थे ना हमारे साथ में भी, तो बंगाली लोग पढ़ते थे हैं, तो विनोद के लिए वो बोलते थे गुरुजी, एक गुरुजी पढ़ाते थे। देखो बंगाली लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बंगाली लोग है तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बिहारी से थोड़ा सा कम है। वो गुरुजी जो थे ना वो स्वयं बिहार के थे, वो मिथिला के थे, वो तो वाचस्पति मिश्र भी मिथिला के थे उनका शरीर। तो बंगाली लोग बहुत मछली आदि के ग्रहण करते हैं ना, तो इसलिए वो विनोद में बोलते थे। उनकी बुद्धि बहुत तेज तो है बंगालियों की, लेकिन बिहारी से थोड़ा सा कम। तद यथा मत्स्यार्थी, मछली जो खाना चाहता है मत्स्यार्थी, मछली लाता है। मछली जब लाता है तो मछली में क्या रहता है? बहुत कुछ रहता है, सब कुछ खाने योग्य नहीं होता है। जो खाने योग्य नहीं है उसको अलग कर देता है कि नहीं? वो भी तरकीब से, नहीं तो हाथ कट जाएगा। ये बोलते देखो, स सलकान स कंटकान मत्स्यान उपादत्ते। सलक बोलते हैं वो पंख आदि के छिलका वगैरह जो होता है ऊपर हिस्सा, और कांटा तो जानते हो कंटक, तो पंख के साथ कंटक कांटे के साथ मछली तो लाता है मार्केट से अथवा जहाँ से भी हो, लेकिन उसको अलग कर देता है तो क्या रहेगा? जो खाने योग्य वही रहता है ना? ये मत्स्यान उपादत्ते, ये बोलते हैं। देखो
स यावद आदेयम, है ना, जितना ग्रहण करने योग्य है तावद आदाय, उतना ग्रहण करता है, और जो खाने योग्य नहीं है उसको क्या करता है, अलग कर देता है कि नहीं, देखो, है ना। इसलिए विनिवर्तते, जो खाने योग्य नहीं है उसको छोड़ देता है। इतना नहीं समझ में आया तो दूसरा तुमको दृष्टांत देते हैं, यथावा जैसे धान्यार्थी, जो किसान धान लाता है, है ना, खेती से, तो उसमें तो सब पलालानी धानानी आहारती, पलाल पलाल होते ना, पराल पराल, गौ वगैरह जो खाती है उसको कहते हैं पलाल, और पलाल के साथ ही धान मिलता है, धान को लाता है, फिर भी स यावद आदेयम तावद उपादाय, जितना ग्रहण करने योग्य है उतना ग्रहण कर लेता है, और जो ग्रहण नहीं करना है, जिसको हटाना है, कौन, पलाल को, पलाल को छोड़ देता है, निवर्तते, है ना। ठीक इसी प्रकार से तस्मा है दुख भया, अरे संसार से हमको दुख होगा, भयभीत क्यों होते हो, दुख से भयभीत ना हो, उपाय करो, ये बोलते हैं दुख भयात, दुख भयात न अनुकूल भेद नियम है यही कम बा आमुष्पिकम बा सुखम परित्यक्तम है उचितम। ये देखो, इले दुख के भय से है संसार से हमको दुख होगा, दुख के भय से अनुकूल वेदनीय जो सुख होता है, चाहे इस लोक में हो चाहे आमुष्मिक लोक में हो, सुख उस सुख का परित्याग करना उचित है क्या, उचित नहीं है। दुख के भय से सुख का भोग नहीं करना, ये ठीक नहीं है, है ना। दुख का परित्याग तुम कर सकते हो, ये बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना राजू देखो कैसे दृष्टांत दे रहे हैं इसलिए दुख से ना घबराओ, ये कह रहे हैं, दुख का परित्याग कर सकते हो, पूर्व पक्षी चल रहा है ये। नहीं मृगा संतीति शालयो न उप्यन्ते, अरे भी हिरण आकर के खेती को नष्ट कर देगी, इसके भय से बीज बोएंगे नहीं, किसान जो खेती करेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं नहीं मृगा संति, मृगा संति हिरण जो है बहुत है, इसलिए जो बीज क्यों बोना है, ये मूर्खता है। अथवा भिक्षुका संति, ये देखो भोजन बनाएंगे, ये भिक्षा करने वाले लोग आ जाएंगे, नारायण हर करके ये संत महात्मा लोग ब्रह्मचारी लोग भिक्षा करने आ जाएंगे, इसलिए भोजन ही ना बनाएंगे, धुआं को देख करके घर में आ जाएंगे भिक्षा के लिए, ये मूर्खता है कि नहीं अरे आएंगे तो भिक्षा दे देंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, उसके डर से भोजन ही नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है भिक्षु कहा संति, भिक्षु का यहाँ पर आसपास बहुत है, कुटिया बनाकर है, गुरुकुल है, इसलिए स्थालियो न आदिष्टियंते, हाँ जो है स्थाली है पात्र, हाँ भोजन के लिए जो पात्र ही नहीं बैठाएंगे चूल्हे में, मतलब चूल्हा नहीं जलाएंगे, हाँ ये ठीक नहीं है। हाँ, और दृष्टांत दे रहे हैं, चलो दुख आता भी है, अपिच दृष्टम सुखम, सुख तो होता ही है, सुख नहीं होता कैसे कहोगे, देखो तो चंदन बनितादि संग जन्म छयिता लक्षण न, है ना, दुखे न आघ्रतत्वात् अतिभिरुणा तद्येतापि न तो आमस्मिकम सुरगादि तस्य अभिनेषिता। चलो ठीक है ना, यहाँ का जो सुख होता है, ये बोलते हैं इस लोक में जो सुख होता है ये तो क्षणिक है सुख, समझ में है ना, नष्ट हो जाता है, फिर भी चलो यहाँ का सुख तुमको नहीं चाहिए, लेकिन स्वर्ग में जो सुख है, स्वर्ग में सुख मिलेगा, उसके लिए तो प्रयास करना चाहिए, यहाँ के सुख के लिए भले प्रयास न करो, क्योंकि क्षणिक है यहाँ का सुख, परंतु जो पारलौकिक जो सुख होता है, स्वर्ग आदि में जो सुख होता है, वो तो यहाँ की तरह सुख नहीं है, उसके लिए तो प्रयास करो, ये बोलते अभी जो दृष्टम सुखम, यहाँ का सुख तो दृष्ट है भाई, किससे हो रहा है, चंदन बनिताति, ये हो गया विषय, विषय के संग से होने वाला जो है दुख, ये सुख है ना,
ये कैसा है? क्षयिता लक्षणेन, ये तो क्षयी है, वो क्षयी है, विनाशी है, नष्ट हो जाता है यहाँ का सुख, वैसे का सुख। और दुखे न आघ्रा तत्व, चलो दुख से भी संबंध है ये, यहाँ का सुख जो है दुख से भी आघ्रात है, मतलब संबद्ध है, इसलिए अति भीरुणा जो भयभीत होता है, यार ये दुख होगा इस संसार में, सुख यहाँ का सुख दुख से मिश्रित है, इसलिए यहाँ के सुख के लिए क्यों प्रयास करना है, ये तो अति भीरु है, वो भयभीत होता है, वो दुख का परिहार करने के लिए भयभीत होता है, इसलिए वो भले ही यहाँ का त्याग कर दे, मतलब सबको त्याग नहीं करना चाहिए, बोल रहे अति भीरु दुख हो जाएगा, दुख से भयभीत होने वाला भले ही त्याग कर दे यहाँ के सुखों को, लेकिन जो आमस्मिक सुख होता है उसका त्याग क्यों करेगा? न तो आमस्मिकम स्वर्गादि तस्य अविनाशित्वा, लेकिन पारलौकिक सुख होता है वो तो अविनाशी है, हम मन से नहीं बोल रहे हैं, श्रुति भी बोल रही है, श्रूयते ही अपाम सोमाम अमृता अभूम, श्रुति बोलती है सोमरस का पान करोगे जाग से तुम अमर हो जाओगे, हैं पारलौकिक का सुख मिलेगा। और आगे बोलती है तथा च अक्षयम भवे चातुर्मास्य भाजिना सुकृतम भवती, चातुर्मास जाग करोगे शास्त्र विधि से तो उससे जो सुकृत होगा, पुण्य होगा, सुख होगा, वो कैसा होगा? अक्षयम अविनाशी सुख होगा। न च कृतकत्व हेतुकम विनाशित्व अनुमानमत्र संभवती, और तुम न्याय पढ़ते हो वेदांति लोग, न्याय से तुम अनुमान करोगे यद यद कृतकम तत् तत् विनाशी, ये अनुमान भी नहीं बन सकता है, क्योंकि श्रुति श्रुति को अनुमान कैसे कटेगा, है कि नहीं? श्रुति का बात करने वाला कोई भी अनुमान नहीं हो सकता ये बोलते हैं, जैसे कह दिया नर सिर कपाल सोच अनुमानवत आगम बाधिता विषयत्वात, कोई अनुमान करेगा मृत नर सिर कपालम, मरे हुए व्यक्ति का जो खोपड़ी है, मृत नर सिर कपालम सूची प्राणी अंगत्वात शंखवत, जैसे शंखवत ना शंख फूकते हो वो भी तो खोपड़ी है शंख, मृत जीव का जैसे खोपड़ी है शंख, वो शंख जैसे प्राणी का अंग होने से शुद्ध है, इसी का मरे हुए व्यक्ति मनुष्य का जो खोपड़ी है वो भी क्या हो जाए, प्राणी का अंग होने से शुद्ध हो जाए, ये जैसे अनुमान बाधित होता है, श्रुति प्रमाण उसका बात कर देती है कि नहीं, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण होता है, शास्त्र कहता है नारम स्पृष्ट अस्ति स स्नेहम स वासा जलम आविशेत, मेरे में एक टिप्पणी है मेरी पुस्तक में, शायद आपकी पुस्तक में भी हो सकती है, नारम स्पृष्टवा मरे हुए व्यक्ति को आपने छू भी लिया सच में ना, थोड़ा सा भी छू लिया है ना, अथवा उसकी हड्डी को भी मरे हुए व्यक्ति की, तो क्या करना चाहिए बताए, स स्नेहम सबासा वस्त्र के साथ, समझ में ना, जितना पहन करके आप छू लिए ना व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, पूरे कपड़े के साथ स्नान करना चाहिए, जलम अभिषेक, श्रुति बोलती है आपकी पुस्तक में दिया होगा देखो, इसलिए इस श्रुति प्रमाण से ये तुम्हारा अनुमान बाधित हो जाता है, कौन सा अनुमान, कि मृत नर सिर कपालम सूचि प्राणी अंगत्व शंखवत, ठीक इसी प्रकार से तुम जो अनुमान करते हो कि स्वर्ग आदि सुखम विनाशी कृतकत्वात, ये तुम्हारा अनुमान नहीं बन सकता, श्रुति बोलते है ना अक्षयम भवे चातुर्मास्य जाजिना है ना, अपाम सोमम अमृता भूम, यहाँ के सुख तो सुख को तो अविनाशी बताइए भी, अमृता बोल दिया है ना, इसीलिए स्वर्ग आदि सुख तो अविनाशी होता है, उस सुख के लिए जो कर्म आदि करेगा संसार से वैराग्य क्यों होगा उनका इसलिए बोलता है पूर्व पक्षी तस्मात यथोक्त साधन संपत्ति अभाव, इसलिए संसार से विवेक भी नहीं होगा
वैराग्य भी नहीं होगा, समाधि संपत्ति भी नहीं होगी, मुमुक्षुत्व भी नहीं होगा। इसलिए साधन चतुष्टय जो संपत्ति है ही नहीं, तो फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार क्यों करेगा वो, ब्रह्म जिज्ञासा कैसे होगी? ये पूर्व पक्षी कहेगा, इसका समाधान भी किया जाता है। ये शास्त्र किस अभिप्राय से कहता है कि स्वर्गादि सुख अमृत है? अरे भाई, उसमें प्रवृत्त कराने के लिए उसकी स्तुति करनी पड़ती है। साधन की स्तुति नहीं करेंगे तो साधन में व्यक्ति प्रवृत्त कैसे होगा? इसका ये था, उसको कहते हैं अर्थवाद वाक्य। ठीक है, अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य होता है विधेय के साधन की स्तुति में तात्पर्य होता है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा।